प्रभु यीशु मसीह, आज सुबह हम फिर से आपसे ये दुआ मांगते हैं प्रभु कि आप इन कमजोर शरीर को लें और आपका आत्मा फिर से हमारे बीच में उतरे प्रभु। और प्रभु तेरा पवित्र आत्मा ही तेरे लोगों से बात करे। प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि आप ही हमारे मध्य में हो। और प्रभु यीशु मसीह, एक ऐसा शब्द सुनाई पड़े मानो के गर्जने हो रही है, क्योंकि खुदा आपके ही नबी ने बोला है कि जब प्रभु यीशु मसीह आपने स्वर्ग में उसकी पुस्तक को लिया और उसकी मुहरों को तोड़ा और नबी ने कहा गर्जने पृथ्वी पर हो रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह, हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी पर आपका सिंहासन है जहां से गर्जने की आवाजें आ रही हैं। प्रभु होने पाए आज आपकी ब्राइड खुदावन, आपकी दुल्हन आपकी महिमा के लिए गाए, आपकी महिमा के लिए चलाए और सारा आदर आपको ही मिले। प्रभु प्रभु यीशु मसीह, हम आपके भवन में खड़े होके अपनी आवाज को बुलंद करते हैं प्रभु, अपनी आवाज को ऊपर से ऊपर उठाते हैं प्रभु, ये जानते हुए कि खुदावन सच्चे और खुदा वाहिद खुदा आप ही हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके ही नाम को बधाई देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस सारे जन को बहुत बरकत दीजिए और हमारे भाई हरजीत को बहुत बरकत दे और हमारे भाई निर्मल को बहुत आप ही बरकत दे। प्रभु प्रभु यीशु मसीह, आप भी यहाँ पर आए और अपने लोगों से बातचीत कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह, मेरे मुंह में वो शब्द डालना क्योंकि खुदा मैंने बहुत ज्यादा दफा हिंदी में प्रचार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह, मैं इस चीज का विश्वास करता हूँ कि यदि तेरा तुम्हारा आपका पवित्र आत्मा यहाँ पर आए और आपका आत्मा आपके लोगों से बोले तो सब कुछ संभव है। प्रभु प्रभु यीशु मसीह, हम फिर से चाहते हैं कि आपका ही आत्मा हमसे बातचीत करे ताकि सब बातों में आपके ही नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। मसीह की दुल्हन मेरे उन्हें शलोम शलोम। असी पढ़ांगे पहला से हमने थोड़ा 16 पाठ और उसकी 13 है। तब सैमुअल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सैमुअल उठकर रामा में चला गया। आमीन। और इसके साथ ही मैं पढ़ना चाहूंगा दूसरा सैमुएल, उसका 5 पाठ, उसकी पहली आयत से लेके 3 है। तब इस्राएल के सब गोत दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन हम लोग और तू ही हार्ड मास हैं। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था तब भी इस्राएल का अगुआ तू ही था
और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा और इज़राइल का पदार तू ही होगा। अतः सब इज़राइली पुण्य हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इज़राइल का इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। आमीन। खुदा अपने पढ़े गए वचन पे आशीष दे। आप बैठ सकते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा पाए। क्या सब खुश हैं? क्या सब खुश हैं? खुदा उनके घर में आ गए। खुदा भाई अरजीत को बहुत बरकत है। एक अच्छा प्यारा भवन खुदा ने भाई अरजीत को दिया है। तो मैं अपने भाइयों बहनों से ये कहना चाहूँगा कि मैं ज़्यादातर पंजाबी में ही प्रचार करता हूँ अपने पंजाब में, लेकिन आज मुझे ये पता चला कि यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हिंदी समझते हैं। तो मैं कुछ जतन करूँगा कि अपनी बात हिंदी में आपके बीच में रख पाऊँ, और यदि बीच बीच में कुछ पंजाबी की बातें या पंजाबी के शब्द आते हैं तो मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पंजाबी वाला जो शब्द है वो हिंदी में कैसे है, लेकिन लगभग आगे और पीछे करके बात आपको समझ में आ जाएगी। और कई दफा मैं हिंदी बोलता थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि मुंह में पंजाबी के शब्द आ जाते हैं। और लेकिन एक चीज तो तय है कि यदि हमारे पास पवित्र आत्मा है, वो प्रचारक के मन में क्या चल रहा है वो हमें समझा सकता है। क्या इस युग में जब भाई ब्रानम आए, क्या भाई ब्रानम ने कहा नहीं कि लाखों लाख साल से स्वर्गदूत खुदा की उपासना कर रहे थे, लेकिन खुदा स्वर्गदूतों की उपासना से खुश नहीं था। लेकिन ये वाली बात बाइबल में लिखी तो नहीं है, लेकिन भाई ब्रानम को कैसे पता कि खुदा उनकी उपासना से खुश नहीं था, क्योंकि खुदा ने भाई ब्रानम को एक गिफ्ट दिया था, और वो गिफ्ट ये था हृदय की बातों को जानना। तो जब ये वाला वरदान आता है तो इस वरदान में सारे के सारे लोग आ जाएंगे। तो यहां तक ऐसा होगा कि खुदा का नबी खुदा के दिल की बातों को भी जान लेगा कि खुदा क्या सोचता है, उसके मन में क्या है। कुछ और नहीं, खुदा खुद था जो भाई ब्रानम के बीच में होके अपने आप को खोल रहा था, अपना खुलासा कर रहा था, लोगों की जिंदगियों को खोल रहा था। आमीन, आमीन। अभी पिछले दिनों में और हमने पंजाबी में एक संदेश बोया जो बहुत अच्छा मैसेज है, और वो है अन्ना भरथमे। पंजाबी के भाइयों ने तो पढ़ा है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं बोल देता हूं। भाई ब्रानम ने कहा है, जहां जहां यीशु होता है वहां वहां एक शोर होता है। हम कोई शंसना नहीं है कि जब प्रचारक हलाए तो हिल पड़े, हम तो वो सोता है जो अंदर से उछलता रहता है। तो भाई ब्रानम ने कहा अन्ना भरथमे था, लेकिन वो देख नहीं पाता था, लेकिन वो एक जगह पर बैठा था, लेकिन दूर से उसके कानों में एक शोर आया। उसने सुना कि कुछ लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। उसे किसी से पूछा कि ये शोर क्यों आ रहा है, तब किसी ने कहा होगा। क्या वो यीशु
करते हैं। आमीन। तो भाई बहनों ने कहा जब यीशु होता है वहां पर अक्सर शोर होता है, जो चिल्लाते हैं, आमीन। और उनका चिल्लाना ऐसे नहीं है कि मानो के पंप भर दिया हो तो आगे चिल्लाने प्रचारक खुश हो जाएगा। आज यहां पर कोई गोरी चमड़ी वाला आ जाए, कोई हॉलैंड से और कहीं से भी कोई प्रचारक आ जाए यहाँ पे प्रचार करने के लिए, वो इंग्लिश में बोले कि यीशु मसीह मुक्ति दाता है, लोग खूब चलाएंगे, हालेलुया, प्रेज गॉड, अब पता नहीं क्या क्या। लेकिन यहाँ पर ही कोई लोकल भाई आ जाए और वो बात करे नेचर की, बात करे तीसरे हिसाब की, आपको पता लोगों के मुंह से हैलेलुया नहीं निकलता, क्यों? क्योंकि वो चमड़ी को देखते। और खुदा अक्सर ऐसे काम करता है, अक्सर उसका एक काम करने का ढंग ही ऐसा है। खुदा क्या करता है, एक दफा एक दिन उसने कहा कि मैं अपने बेटे अपने मित्र अब्राहम के पास जाऊंगा, और उसने कहा कि मैं ऐसा करूंगा मैं एक मनुष्य की थे लूंगा, थोड़ी सी पांव में मिट्टी फेंकूंगा, थोड़े से अपने वालों को ऐसे करके खिला लूंगा। और चलता हुआ अब्राहम को विजिट करता हुआ निकलूंगा, और देखते हैं अब्राहम ने कैसे पहचान लिया, क्योंकि उससे पहले अब्राहम मिल चुका था उसी घर की सड़क को, और मैं देखूंगा अब्राहम ने कैसे पहचान था। और अब्राहम उस दिन ममरे के फ्रूटों के ममरे के सामने बैठा हुआ, और जब अब्राहम ने देखा कि सामने से तीन लोग चलते हुए आए, बड़े ध्यान से देखना शुरू किया। पता खुदा के लोग खुदा के लोगों की चाल को पहचान लेते हैं। बोला कि वो बादल
यहाँ पर है। बड़ी बात है। आमीन। फादर यहाँ पर आया है। आमीन। देखिए, मैं विश्वास करता हूँ कि जो भाई ने मैसेज रखा कि बादल यहाँ पर है, बिल्कुल सत्य है। अमीन। आपको पता 28 मई 1963 को सिर्फ श्री क्यों दिखाई दिया? जब के नबी ने जेला ये बात बोली है, उसमें वहाँ प्रकाशन भाग्य अध्यक्ष पर है, सातवीं वो है, और जो वो बादल है वो प्रकाशन भाग्य अध्यक्ष एक है। जब दस एक हो जाता है तो उसके पांव आगे स्टोन जैसे। आमीन। एक पैर अपना समंदर पर, एक पैर अपना पृथ्वी पर, तो क्या एक सोचने वाला विषय नहीं कि फिर उस बादल के पांव कहां है? बादल के हाथ कहां है? बादल की आंखें, बादल का मुंह, आज उसी बादल का पर जितनी भी देर हम बात करेंगे वचन की, पर मैं चाहता हूं कि सारा का सारा आदर यीशु मसीह को जाना है। मैंने हमने बर्थडे की बात करी आपसे, तो भाई ब्रह आगे कहते हैं उसी अगले पैराग्राफ में, क्या आप जानते हैं? नबी कहते हैं जब खुदा का पुराने अहदनामे में एक याजक मंदिर के अंदर जाता था, उसके वस्त्रों पर वो भेंटियां होती थी, अनारों की जैसे। जब वो चलता था तो वो भेंटियां छलती थी, आवाज आती थी, ये आवाज बताती थी हमारा महाजाजक कि हम ऐसे खुदा की उपासना करते हैं जो हमारा एक जीवन है। एक बात बोली थी, जब हॉस्पिटल में एक औरत को लेके जाते ना, तो डॉक्टर उनको झटके देते, मरी हुई औरत जीवित हो जाती। वही तो बात है, खुदा उनके लोग ऐसे ये जो दुल्हन है ये जीवित हो चुकी है। हम बैठे से जो आज बात करना चाहता हूं भाई बहनों, वो ये है कि भाई आशीष, जो भाई आशीष ने रखा मेरा, उसकी ही अगली वाली एक हिस्से को लेना चाहूंगा आपसे, पर इसको मैं एक अलग ढंग से रखना चाहता हूं आपके बीच में। भाई आशीष ने कहा कि जैसे सातवीं तुरई यहूदियों के लिए, और भाई आशीष से पहले ये वाली बात भाई ब्रह्म ने बोली है तुरइयों के पर्व में, जैसे सातवीं तुरई यहूदियों के लिए है वैसे ही सातवीं मोहर अन्य जाति लोगों के लिए, उनको आधा हफ्ता मिलता है सातवीं तुरई के नीचे, और इनको आठ घड़ी मिलती है सातवीं मोहर के नीचे। उनको सातवीं तुरई के नीचे एलिया मूसा मिलता है, तो इनको सातवीं मोहर के नीचे एलिया और मूसा का अभिषेक मिलता है। आमीन। और वहां पर एक छोटा हिस्सा है जिनके मनों को एलिया और मूसा पीते हैं, और इस समय भी एलिया और मूसा एक छोटे हिस्से के मनों को आमीन की ओर फेरेंगे। वहां पर भाई ने कहा जब एलिया मूसा थे वहां पर मसीह आ जाएगा, और ऐसे ही सातवें मोहर में होगा जब एलिया और मूसा की सेवकाई भाई ब्रानम के जीवन में पृथ्वी पर हो रही थी,
تب مسیح سورگ سے اترا، ایک بادل اڑے ہوئے اس نے اس نبی کو وزٹ کیا. آمین آمین. اور جیسے ان کے نام جو کتاب میں لکھے ہوئے تھے، 12 ادھیائے میکائیل کھڑا ہوگا اور جن کے نام پستک میں ہوں گے وہ بچھا لیے جائیں گے. اسی پرکار ساتویں مہر کے نیچے، آمین، جب وہ دلہن کو وزٹ کرے گا تو جن کے نام کتاب میں ہوں گے وہ بچھا لیے جائیں گے. آمین. آپ میں سے کتنے لوگوں نے بھائی برادر کو دیکھا ہے؟ تو مجھے لگتا ہے ایک نے بھی نہیں. کتنے لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھلی دودھ آیا اور اس کے ہاتھ میں کتاب تھی؟ مجھے لگتا ہے ایک نے بھی نہیں دیکھا. اور آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ دیکھا کہ یشو مسیح پرتھوی پر آئے اور اس نے ہمارے لیے جان دی؟ میں زورتا ہوں کہ ایک نے بھی نہیں. نہیں، پھر بھی ہم وشواس کرتے ہیں کہ جو بولا گیا وہ سچ ہے. کناریاں بنتے ہوئے میں نے دیکھی نہیں، پھر بھی پتا ہے کہ نبی کا وہ سچ ہے. پتا کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ چیزیں ہو میں خدا کے اندر تھا. جیسے جیسے آپ کو موقع ملے بیٹھتے رہیے، کھڑے ہوتے رہیے، بیٹھتے رہیے، وہ آپ کی مرضی ہے. بھائی آشیش نے بات بولی کہ جو ساتویں تڑی کے انترگت ان کے ساتھ ہوتا ہے وہی ساتویں مہر کے نیچے دلہن کے ساتھ ہے. تب انہوں نے چھ ادیشوں کے بارے میں، چھ پکھی ادیش، چھ مکھی ادیش، چھ مکھی ادیشوں کے بارے میں بھائی آشیش نے رکھا کہ پہلا ادیش پاپ کا، اپرادھ کا، پاپ کا، برائی کا پراشت، پھر چوتھا سدا کا دھرم، اور پانچواں درشن اور بھوشوانی پر مہور، اور شٹا پر پوتر کا وشی. بھائی نے اسٹارٹ کیا اور چلتے 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 وہ پرم پوتر پہ آئے. اور آپ کو پتا کہ بھائی برہنم نے جب پرم پوتر کا ابھیشیک پر پرچار کیا، بھائی برہنم نے کہا کہ یہ یشو مسیح کے ابھیشیک کی بات نہیں ہو رہی، یشو مسیح کا تو پہلے سے ابھیشیک ہو چکا ہے. ہمیں تو بھائی برہنم نے کہا یہ وہ مندر ہوگا جس کو روم توڑ دے گا 3.5 سال میں، اور اس مندر کا شدھیکرن ہوگا، اور جب شدھیکرن ہوگا تب یشو مسیح پورو سے ہسکیل 43:1-6 سب سے پہلی بات سے بھائی برادر نے پڑھی کہ ہسکیل 43:1-6 کے مطابق پورو سے پرویش کرے گا. اسی لیے جتنے بھی کیا کہ خدا کا بھون جب بھی بنایا گیا اس کا دوار جو تھا وہ پورب میں تھا. آمین. اب پورب سے وہ پچھم کی اور جاتے تھے. اب آپ کو سمجھ میں آئے کہ یشو مسیح کیوں پورب میں آئے. آمین. پھر پورب سے جو وہ ستارہ مجوسیوں نے دیکھا اور اس نے کہا ہم نے مسیح کا ستارہ پورب میں دیکھا ہے، کیونکہ مندر میں گھسنے کا آمین راستہ پورب کی اور سے ہے. تب نبی نے سمجھایا یہ کہ تب پولس پورب میں آئے یروشلم میں، تب بھائی برادر کہتے ہیں اگلا دوت آئرلینڈ میں آیا، اس کے بعد میں بھائی برادر کہ اگلا دوت یورپ،
फिर भाई बराजन ने कहा फिर जब माता लूथरन था वो जल्दी में आया पश्चिम की ओर जा रहा है। आमीन। फिर नबी ने कहा जो जॉन वेस्ली था वो इंग्लैंड में से आया और पश्चिम की ओर। तब भाई बराजन का पवित्र आत्मा अटलांट का महासागरों को पार करता हुआ यूसुफ सिटी में आया। आमीन। और तब जब भाई ब्रानम को खुदा ने मदद किया तो हमेशा से ही खुदावन ने भाई ब्रानम को यह कहा पश्चिम को जा, पश्चिम को जा। हर एक दर्शन ने बताया तो पश्चिम को जाना। जब 1933 को वो बादल उतरा और जिसने कहा कि जिस प्रकार से योना बपतिस्मा देने वाला मसीह के आगे आगे चला उसी प्रकार तेरू और तेरा संदेश मसीह की दूसरी आमद में उसके आगे आगे चलेगा। आमीन। तब भाई ब्रानम ने कहा कि वो दूत पुल को पार करता हुआ पश्चिम को निकल गया था। पश्चिम को क्यों जा रहा है? क्योंकि सिंहासन पश्चिम में है, पश्चिम में मिलेगा और हारून की लाठी पश्चिम में रखी गई है, देव की पत्तियां पश्चिम में है। तब भाई ब्रैनम को भी बोला गया पश्चिम को जाना। शेर सपने आए भाई जूनियर जैक्सन का बार बार सिस्टर स्टेफी और सिस्टर कॉलिंस पर ये छह सपने ने यही बताया पश्चिम को जा। आमीन। आमीन। और भाई ब्रानम पश्चिम को जा रहे थे। जब भाई ब्रानम पश्चिम को जा रहे थे तो भाई ब्रानम पूर्व में खड़े थे। तब भाई ब्रानम ने कहा वो सात दूत पश्चिम में खड़े होके गर्जने कर रहे थे और पश्चिम से पूर्व को जा रहे थे। भाई ब्रानम पूर्व में खड़े हैं तो वो वहां से हालेलुया पश्चिम से पूर्व को निकल रहे थे। क्यों निकल रहे थे? तो जो भाई आशीष ने रखा था आइए पढ़िए इसके। ये मेरा टॉपिक नहीं है पर उस चीज को मैं चाहता हूं सैतालीस रखे हैं और उसकी पहली ऐड से कोई भाई पढ़ ले मेरे पास था जा भी गया। फिर वो मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकल। ये वही भवन के बारे में है 40 से 48 अध्याय तक। आमीन। से सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। आपने देखा भवन में से सोता कहां पर जा रहा था? पूर्व की ओर जा रहा था। पूर्व की ओर क्यों जा रहा भाई ब्रानम? क्या कि मैसेज जो है सभ्यता सभ्यता ये सूरज के साथ चलती है। आमीन। जैसे जैसे सूरज पश्चिम को गया वैसे वैसे जो मैसेज है पश्चिम को चला गया और सबसे आखिरी जो दुनिया का हिस्सा है आप नक्शे में देखें वो अमेरिका है। आमीन। अमेरिका से आगे निकल जाए तो आप फिर वापस पूर्व में आ जाते हैं। इसीलिए वो दूर जो थे पश्चिम से पूर्व को निकल रहे थे। मेरी बात समझ रहे हो? वो पश्चिम से पूर्व को जा रहे थे और जा किस रास्ते से नहीं रहे किसको मुझे भवन के द्वार पर लौटे ले गया और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्व की था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था और वेदी के दक्षिण की ओर जा रहा था दक्षिण की ओर से होता हुआ। आपको पता है कि खुदा के भवन में दक्षिण की ओर क्या रखा जाता था? हमेशा हमेशा से शमादान।
और उत्तर की ओर रोटियां थी और इसका मतलब सौदा कैसे निकल आता दक्षिण की ओर और दक्षिण में सात सितारे हैं सात समझदार है हमें सात सितारे हैं तो जो सौदा निकल रहा था तो उसके साथ सात सितारे हैं तो इस तरफ जाएंगे पूर्व की ओर दाहिने हाथ में प्रकाशन वाक्या एक उसके दाहिने हाथ में सात सितारे हैं जब भाई ब्रानम ने इस वाले हिस्से को लिया तो उसने रखा कि ये वाला हिस्सा है परम पवित्र अभिषेक के साथ मिलता आमीन और आप जानते हैं दूसरा हिस्सा भाई ब्रानम ने कौन सा पढ़ा परम पवित्र के अभिषेक के लिए भाई ब्रानम ने दूसरा हिस्सा पढ़ा लेवी देवी उसका आठ अध्याय लय व्यवस्था लय व्यवस्था आठ और उसकी दस जब मूसा से अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था उन सब का भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया जब भवन के अभिषेक की बारी आई तो भाई ब्रानम ने कहा कि जैसे लय व्यवस्था में हुआ कि मूसा ने तेल लिया और इससे पहले कि वो तेल लेता उसने सारे भवन के बर्तनों को हर एक चीज को वेदी को सात दफा लहू से छिनक के पवित्र किया और हम जानते हैं ये सात दफा छिनकना सात कलीसिया कालों की तस्वीर है आगे पढ़िए भाई और उस तेल में से कुछ उसने वेदी पर सात बार छिड़का और कुल सामान समेत वेदी का और पाए समेत हौदे का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया आमीन आगे और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया भाई ब्रानम ने इस वाले हिस्से को पढ़ा परम पवित्र के अभिषेक के साथ जो पहली वर्ष भाई ब्रानम ने पढ़ी वो थी हिजकेल 47 और अगली वर्ष जो पढ़ी भाई ब्रानम ने और दानियेल के 70 में वो ये थी कि मूसा ने तेल को हारून याजक के सिर पे उंडेला आमीन तो सिर से तेल बहता हुआ नीचे तक हो गया क्या समझ रहे हैं क्या इन दिनों में भी मूसा के जैसा कोई आया है आप बर्फ में जल के अभिषेक और ये बर्फ में जल किसका अभिषेक है मसीह की दुल्हन का हालेलुया तो यहाँ पर अभिषेक किसका होगा सबसे पहले वो सिर का अभिषेक करेगा था देश पड़े हैं आप इसका जवाब दे सकते हैं तो अभिषेक करेगा कौन एक मूसा है जिसे दोषित दिए गए और सिर पे तेल उड़ने लगा और इसे कहते हैं परम पवित्र का अभिषेक यही वाला हिस्सा हमने दाऊद के अभिषेक के बारे में नहीं पढ़ा तो ये कौन है दाऊद आमीन भाई तीन सेवकाइयां है जी आमीन मनुष्य का पुत्र फिर खुदा का पुत्र और फिर दाऊद का पुत्र नबी ने कहा मनुष्य का पुत्र तब जो वो पृथ्वी पे आया आमीन एक विश्वता था और खुदा का पुत्र तब जब उसने सात कलीसिया कालों में आमीन सेवकाई का काम किया आमीन और खुदा का दाऊद का पुत्र तब जब वो हजार साल राज्य में आए और इसे भाई ब्रानम ने कहा जो मनुष्य का पुत्र है वो उका मनुष्य का पुत्र एक उकाब है खुदा का पुत्र एक मेहना है आमीन और दाऊद का पुत्र एक सिंह है जो है जो है सिंह और जो आने वाला है आमीन अब सब पढ़ रहे हो
जब ये तीनों चीजों को लिया और समझाया आमीन आमीन भाई बराबर इस चीज को लिया कि दाऊद का पुत्र होता है जब वो हजार से राज में आता है और यहां पर हमने दाऊद के अभिषेक की बात पढ़ी है और आइए मेरे साथ थोड़ा सा पढ़िए ताकि हम अपने विषय को ढूंढ लें उनमें से कि हमारा विषय क्या है पहला सेवन उसका 16 अध्याय उसकी पहली ऐसे यहोवा ने शमूएल से कहा मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज करने के लिए तुच्छ जाना है तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा जब मूसा आ गया और उसके बाद यहोशुआ आया तो खुदा के चेहरे बात थी आपको पता है दथान कुरा अभिराम ने मूसा को क्या कहा तो हमने जंगल से इसलिए निकाल के लाए हो कि ताकि तुम हमारे राजा बन जाओ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उस बच्चा का एक राजा होना था और वो ये सोच रहे थे कि शायद मूसा राजा होगा लेकिन खुदा ने मूसा जिसको दो चिन्ह दिए जो बलती हुई झाड़ी के पास गया जो आग के स्तंभ के पास गया जो किताब लेके आया जो पहाड़ पे गया खुदा ने इसको राजा नहीं बनाया राजा तो आने वाले दिनों में आएगा आमीन आमीन खुदा के मन के मुताबिक एक राजा है तब लोगों ने और खुदा ने कहा कि ठीक है और उस समय शमूएल नबी पृथ्वी पे है जब न्यायी आ गए उसके बाद शमूएल आए शमूएल खुदा का भविष्यवक्ता है वो पृथ्वी पे है और तब लोगों ने कहा कि हमें तो राजा चाहिए हम तो कोई व्यक्ति राजा चाहिए और खुदा ने कहा कोई व्यक्ति राजा तो मैं तुम्हें दूंगा नहीं 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 राजा चाहिए जैसे दूसरे लोगों के पास है अब इजरायली लोग ये भूल गए कि जो दूसरे लोगों के पास राजा है और तुम कहते हो कि हमारे पास राजा नहीं जब तुम उनसे लड़ते हो तो हमेशा हार जाते हैं क्योंकि तुम्हारा राजा कोई मनुष्य नहीं था क्योंकि इनका राजा सिर्फ जहावा था मनुष्य राजा चाहिए और मनुष्य राजा को मिल गया और क्या हुआ वो गिरा दिया गया तब खुदा ने कहा कि मेरे मन में ये प्लान पहले से था कि राजा तो मैं दूंगा शब्द मैंने वैसे नहीं दिया कि चलो मजे करो ये असल राजा तो मैं दूंगा आमीन जो मेरे हृदय के मेरे मन के मुताबिक मनुष्य है आमीन और तब खुदावर ने शमूएल को कहा ऐसे करो एक बड़ा ही प्रिय जन है मेरे मन के मुताबिक एक जन है और उसका नाम है दाऊद ऐसे करो जाओ जा चची के घर में वहां पर एक हिस्सा भेद में बोला कि राजा बनने वाला है तब जस्सी चले गए शमूएल चले गए जस्सी के घर में और जब वहां पर गए तो जस्सी के साथ बैठे जो घर में जो शाऊल की आर्मी में थे जैसे शमूएल ने देखा सबसे बड़ा बेटा तो उसने देखने का यही राजा होगा और खुदा ने कहा ये जो सामने देख रहे हो ना अफसोस ये राजा हो नहीं सकता ये निशाना बांधता तो है लेकिन कुछ देर बाद सुस्त हो जाता है ये राजा नहीं है अगला व्यक्ति आया सुमन सुमन का उसने कहा ये जो देख रहे ना इसमें अंदर कड़वाहट और कड़वापन है कड़वापन राजे के लिए सही है नहीं ये नहीं है उसके पास एक और आ गया
पूरी तरीके शादीशुदा और वो तो शादीशुदा बनता है वो उसको तो अपने परिवार की चिंता ऐसा तो राजा हो ही नहीं सकता। फिर चौथा है जो अपनी औरत के नीचे चलता है और उसके घर में उसकी पत्नी भी चलती है। और फिर पांचवा आया तो वो अभी अपने आप में सुधार ही कर रहा है। फिर छठा आया और उसको भाईचारा निभाना है चाहे फिलिस्तीनी हो चाहे कोई भी हो भाईचारे में रहता है भाईचारे का प्रेम भाईचारे का प्रेम। और फिर जो सातवां देखा और सातवें का है हमारे हक भी होने चाहिए। वो जब देखो हकों की बात करता जबकि नबी मैसर बताता है मेमना हमेशा अपने अधिकार को छोड़ देता है इसको अपना रोना है हमारे हक हमारे हक हमारे राय हमारी मर्जी तो इसको ये वाले प्रॉब्लम। जब सातों को सातों साथ साधव को देखा उसने कहा इनमें से तो राजा है ही कोई भी नहीं। तब वो यूं सोचे देखने शुरू हो गया कि सात दिन से काम को प्रचार के कोई भी नहीं तब खुदा ने कहा दाऊद को बुलाने के लिए कि दाऊद आ जाओ तुम्हें भविष्यवक्ता बुला रहा है आमीन। जो कि दान के गोत्र से है शमूएल का गोत्र कौन सा था दान गोत्र हालेलुया। तो दान गोत्र का चिन्ह क्या था दाऊद जंगल में है जब उसको बुलावा भेजा गया तब दाऊद के पास दाऊद का अपना सितार है तो वो जंगल में अपनी भेड़ों के साथ नाच रहा है कूद रहा है गा रहा है। तो पता क्या है दाऊद के समय दाऊद के ऊपर उस समय सातवीं मोहर खुली हुई है उसके पास अभिषेक है आराधना करने का उसके पास प्रचार है हालेलुया। उसके पास पहला खिताब था कौन सा खिताब पहला और एक सिंह आया तो दाऊद के ऊपर अभिषेक उतरा उस सिंह के पीछे भाग गया और सिंह ने उसके मेमने को उठा लिया उसने उसका जबड़ा फाड़ा मेमने को निकाल दिया का राज। फिर उसके बाद ऋष आया फारसी फिर उससे मुकाबला करने के लिए लड़ूंगा इस ऋष से का दूसरा हिसाब था। अब दाऊद को और अभिषेक चाहिए हमें ताकि वो अपनी सेवकाई के तीसरे हिसाब में घुसे। तीसरा हिसाब का क्या था उसका गोलियत को मारना दूसरे और तीसरे के बीच में हमें एक पुलिस वक्ता आया एक तेल का कुप सीख लिया। जब शाउल पर तेल हम डेरा गया तो कुप्पी हमें जब शाउल को सेख लिया गया
जब भी सिर पे जैतून का तेल डाला जाता था, इसका मकसद, इसका मतलब यह था कि एक व्यक्ति को राजा अभिषेक किया जाता था। जैतून का तेल राजाओं के लिए होता है। हालेलुया। वो कुप्पी भर के खड़ा रहा। आपको पता है पास्टर ये वो मुझे कोई नहीं। आज के बाद आपका राजा, तुम्हारा राजा ये रहा। अमीन। और दाऊद अभिषेक से भरा हुआ है। आमीन। देखा है जैसे उसने उसके ऊपर अभिषेक किया, उसका देखा यहावा का आत्मा उसमें आता जाता रहा। आमीन। मैं इसको ये नहीं कहता कि तीन खिचाव जो है वो मैंने अपने समय में इसको रखने की कोशिश करी कि वो दो चित्तों का जगह है। आमीन। तीसरे को तैयार है। आमीन। और जैसे अभिषेक हुआ फिर तीसरा चित्त इसको गोलियत को मार। आमीन। आइए मेरे साथ पढ़ते हैं जब इसके 10 बयान से पढ़िए। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं। अच्छा, शमूएल देख रहा है कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अरे ये सारे आ गए। सबसे लाज वाला जो भाई आशीष कर बता रहे थे, अमेजिंग ग्रेस, ये आमीन। जो भक्ति हुई है, आमीन। वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वो भेड़ बकरियों का चरा रहा है। शमूएल ने इसे कहा, उसे बड़ी अजीब बात है, राजा जब बनने वाला वो अपनी भेड़ों के साथ, उसके बदन से उसकी फेरों की स्मेल आती है। आमीन। आमीन। पढ़िए। शमूएल ने इसे कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। जब तक वो आए ना तब तक हम खाने को नहीं बैठेंगे आगे। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके दो लाली झलकते थे और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुरोल था। हमने देखा है वो पूरा ताल सूरज के जैसे उसका था। आमीन। और आंखें चमक रही थी उसकी। आगे जब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। जैसे उसका बदल गए यही है वो कभी अभिषेक इसका। आमीन। पढ़िए। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर
बल से उतरता रहा तब शैतान। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर दाऊद का अभिषेक हुआ और मेरे साथ दूसरा सैमुएल पांच अध्याय और उसकी तीन वर्ष पर। अतः सब इजराइली बुनिए हेब्रोन में राजा के पास आए, सारे इजराइली हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा मांगी। हाँ, और उन्होंने इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद ने सौगंध खाई, वाचा ने बांधा हमें और तब उन्होंने इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया, दाऊद का अभिषेक हुआ और तब दाऊद राज करने लगा। सैमुएल के अभिषेक और दाऊद के अभिषेक के बीच में एक दाऊद की यात्रा है। आमीन आमीन। जब दाऊद करेगा, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ जब भविष्यवक्ता सैमुएल 28 फरवरी 1963 को हमारे दाऊद यीशु जी का अभिषेक कर चुका है, वहां से लेके 1000 साल राज के बीच में कुछ तो कुछ होगा। और जब दाऊद वस्त्र पहन के बैठा सिंहासन पर, शाऊल मर गया तब बना, तब हुआ दाऊद बादशाह और दाऊद अपने अडॉप्शन तक पहुंचा। आमीन। तो इसका मतलब दाऊद की एक यात्रा है। आमीन। और जब हम दाऊद की यात्रा को देखते हैं तो पता चलता है कि दाऊद भजाया गया, दाऊद चुना गया, दाऊद का मसा किया गया, तब दाऊद ने अपना स्थान प्राप्त किया, अब्राहम इज़हार याकूब और यूसुफ। आमीन। मेरी बात सुन पा रहे हो? और जब उसको राजा बनाया गया तो उसके साथ कुछ लोग थे हमें जो दाऊद को राजा बनाने में लगे हुए हैं। आमीन। उसके अभिषेक के बीच में और उसकी यात्रा के बीच में कुछ लोग हैं जो दाऊद का साथ देंगे। आमीन। पांच की पहली आयत में पढ़ना चाहता हूं कि जब लोगों ने उसे राजा बनाने के लिए बोला तो क्या बोला। जब इज़राइल के सब गोत दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, दाऊद के पास कहां पर आके बोलने लगे? हेब्रोन में। कौन? सारे इज़राइली। तो भाई आशीष ने क्या कहा? हम आदमी की इज़राइली हैं। आमीन। क्या आप अपने दाऊद को ये वाला बात बोलते हो कि तू राजा हो जा? 28 फरवरी 1963 से अब ये तो हो चुका, अब राजा का। आमीन। अपना मिलेनियम स्थापित कर। पढ़िए आगे। तब इज़राइल के सब गोत दाऊद के पास आकर हेब्रोन में कहने लगे, सुन हम लोग और तू ही, तू एक ही हाड़ मांस है। और क्या बोला? कह रहे हैं दाऊद हम तेरी हड्डी में से हड्डी, तेरे मांस में का मांस है। और हमारा राजा ऐसा कह रहा कोई मिट्ठू कह रहा नहीं है, हमारा राजा यदि कोई बने तो वो बनेगा जिसके ऊपर हमारे विश्व का सैमुएल ने सिंह लेके तेरों मिला। तो हुआ यू, जब दाऊद पहाड़ों
दर पहाड़ों गुफा दर गुफा घूम रहा है। जब उसके ऊपर अभिषेक का तेल भेजा गया तो शाऊल उसके पीछे पड़े गए कि मैं इसको मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। और दाऊद चिंता कर रहा है, आमीन, कभी किसी गुफा में जाता है, आमीन, कभी प्रीति गाड़ी में चला जाता है, कभी इंडिया में दिल्ली चला जाता है, आमीन, कभी मछवाड़ा में चला जाता है, कभी सकरूर में चला जाता है, कभी फिरोजपुर में चला जाता है, हालेलुया, कभी हिसार में चला जाता है, कभी मरिंदे चला जाता, कभी शाहजहांपुर में आ जाता है, कभी चिड़िया में चला जाता है। तो वो गुफाओं दर गुफाएं पहाड़ों पर घूमता है। जब घूम रहा है वहां पर एक नवाल है, चला रहा है, हैं? उसके भी नौकर फेरे चला रहे हैं। तब नवाल ने और दाऊद ने, दाऊद के जो योद्धे थे जो दाऊद के साथ थे, अभी दाऊद राजा नहीं बना, राज नहीं करने लगा, लेकिन अभिषेक का तेल उसके सिर पे है। जिन लोगों को पता है कि आने वाला राजा तो यही होगा, शाऊल का राज तो खत्म, दुनिया के राज तो खत्म, इसलिए भाई राजा ने जब मोहरों का प्रचार किया तब पहला मैसेज प्रचार किया कि पूरी दुनिया टूट के बिखर रही है, समस्त राज टूट के बिखर रहे हैं। हालेलुया, दुनिया का राज नहीं होगा पृथ्वी पे, अब जो आ चुका है राज्य उसका होगा। आमीन, जो दाऊद के साथ खड़े रहे जी, और वहां पर एक नवाज है जी, दाऊद के जो सिपाही थे तो वो रक्षा कर रहे थे दाऊद की। नवाज आया, मुझे दोबारा नवाज है अपने घेरों की हूं कदरी। दाऊद ने कहा जाओ भाई लेके आओ, जो मेरे जवान खाए पिए। जब उनको नवाजे का मैं तो नहीं देता, तब दाऊद ने अपनी तलवार निकाल दी। इसका मतलब दाऊद के पास अपनी तलवार है, इस समय दाऊद के पास तलवार है, और उसने तलवार निकाली सूर्य चढ़ने से पहले पहले, मैं नवाज को मार के खत्म कर दूंगा। हमें लेकिन उसी नबाल का जो मतलब है मूर्ख, उस मूर्ख के नीचे उसकी पत्नी है जिसका नाम एबीगेल है, और एबीगेल का मतलब आनंद का फुहारा, उसके मुंह में उदासी नहीं है, वो जब चिल्लाती है ना सच फाड़ देती है। हर दफा कमजोरी फील करना, जे तो कैलोन था जी, हैं? हाँ जी, महलोन और कैलोन एक बीमारी एक थका हुआ, हाँ जी, भाई कुरान ने बोला एक का मतलब था बीमारी, एक थका, ये थका हुआ नहीं बीमार नहीं है, इसके अंदर तो नहीं मजरा जैसा जैसे ये उमड़ता है, मेरी बात समझ में आ रही। अब दाऊद का टांगा एक मूर्ख से हो गया, अब मूर्ख जब भी बात करता है रोटी पकाओगी दाल को खिलाओगी सारा आटा खत्म कर दोगी क्या, मतलब ऐसी वाली सोच है समझ आई। हर छोटी छोटी बातों में चर्च में नुकसान निकालते रहना है, हम क्यों वह करें, हम खुली थोड़ी ना, ये नबाल सोचता है हमेशा, लेकिन अभी ये बहुत बुद्धिमान है। जब उसको पता लगा कि दाऊद आ रहा है, आमीन, जब उसको पता लगा दाऊद की आमद हो रही है, तब तलवार उसके हाथ में है, जब दाऊद को मार के खत्म कर देगा तो दाऊद को मिलने के लिए अभिगेल आ गए, उसके आराधना करी,
दिल एबीगेल पे आ गया। ऐसी बेवकूफ, ऐसा मतलब बेवकूफ नवाल के नीचे एबीगेल। हाँ जी, ये तो मेरी रानी होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। के नीचे एक एबीगेल है, संस्थाओं के नीचे एक एबीगेल है। हमारा राजा कहता है ये जो अवैध से कुशल भी है, चलाती है, चलाती है, जो हमें भेज आती है, ये सभी होनी चाहिए। फायदा बताती है खुदा ने एक हफ्ते के अंदर अंदर दाऊद के अपमान का बदला नबाल से ले लिया। हां जी, अभी वो बदला पर गया और दाऊद ने कहा एबीगेल को बुला। हालेलुया, जिसका पहला पति मर चुका है उसको बुला ले। और सब लोगों का मिलकर अभिषेक करने के बीच की बात है। अमित मूर्ख है, अमित नबाल मूर्ख है। आओ थोड़ा सा आगे मैं आपका ध्यान बीच में अभिषेक के बाद में क्या हुआ उस पर लगाना चाहता हूं। वो ये है 17 अध्याय, पहला सेवन 17। उसकी पहली आज्ञा। अब फिलिस्तीनियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा सेनाओं और यहूदा देश के सेवकों में एक साथ होकर सोबो और अजेका के बीच एफेस दमीम अफस दीम दमीम अफस दीम दमीम में डेरे डाले। मैं आपको एक चीज दिखानी चाहता हूँ, वो ये कि जब दाऊद के ऊपर अभिषेक आ गया, अगली चुनौती थी 10 फुट गोलियत से लड़कर, उसकी सिरदर्द का तीसरा हिसाब था। हम कहानी को अच्छी तरीके से जानते हैं। कहानी में क्या है, हुआ ऐसे कि जब दाऊद के ऊपर अभिषेक का तीर आ गया और फिलिस्तीनियों का एक व्यक्ति निकला गाथी गोलियत, जिसके चार भाई और थे, और चार भाई और थे तो दाऊद और वो आके खुदा के नाम में कुफर पकड़ने लगा, गालियां निकालता था इस लोगों को, गलत गलत बोलता था। तब शाल जो है वो तो सामना करने नहीं जा रहा, लेकिन एक दाऊद है। अमीन, अभी खुदा इसको कैसे सीट पे लाएगा? खुदा हालातों को बनाता है अपने बंदे को सीट पे लाने के लिए, और दाऊद को सीट पे लाने के लिए उसने क्या करा? छुपा हुआ एक भेड़ों को चराने वाला, उसने क्या किया? एक प्लान बनाया, उसने गाथी गोलियत को बोला जा इस जगह पे चढ़ाई कर दे, चढ़ाई कर दिया और लगातार 40 दिन तक उन्हें परखा। शाऊल डर के तो देखे, जब 40 दिन का समय खत्म हो गया तब खुदा अगले प्लान में आया। उन्हें कहा जो छुपा हुआ है ना, जिसको कोई पूछता नहीं, घर में जब आधा को रोटी डाल के देता है कम्मा है, जब देखो चर्च में भाग जाता है, तो ऐसी बातें करते हैं घर वाले, ये जो भेड़ों का काम है निकम्मा लगता है, कुछ नहीं करता, और जब से देखो ये काम करता है, लेकिन मेरा ये बेटी देख, देखो बेटा देखो सबसे बड़ा वाला फौज में। तो ऐसे पता नहीं किसी ने मुझे बताया, इस दाऊद को देखे कह रहे हैं कि दाऊद भेड़ों को चराता था,
और तुम बकरियों को चराओ। ये सुनने को भी मुझे मिला ये वाली, तो उसको बकरियां रख के दी थी कि भाई आप बकरियां चराओ। तो ये वाली बात आत्मिक थी, लेकिन शरीर की बातों में चलो रही होगी कोई अपनी मजबूरी है भाई। हुआ क्या कि जब ये दाऊद अपने भाइयों की सुनी लेने के लिए युद्ध में गया, युद्ध चल रहा है और न्यूज़पेपरों पे बार बार आ रहा है कि युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, और फिलिस्तीनी आज ये फिलिस्तीनियों को आज गोलियत फिर आया था, उसने ललकारा था, लेकिन इजराइल की आर्मी भाग के चले गई। और न्यूज पर एक से एक खबर चल रही है, क्यू न्यूज, बीबीसी और तमाम पंजाब केसरी जगबाजी सब चल रहा है। तो दाऊद भी गया कि अपने भाइयों की सुनी लेने और लेके गया कि मेरे भाई युद्ध में कहीं कमजोर ना होंगे होंगे हो तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि उनके लिए कोई अच्छी अच्छी चीजें ले जाऊं। मेरे भाई खाएंगे, तगड़े होंगे, दुश्मन को मारेंगे, क्योंकि किसी भी समय युद्ध शुरू हो सकता है। जब वो पहुंचा तो गोलियत से निकल के उनके पीछे पड़ गया उसे। तो मैं आपके पीछे पड़ता हूँ। तो पता लगा सात के सात भाई और पूरी आर्मी के जो लोग थे और आगे आगे भागे जाए, और उन्होंने दूर से दाऊद को इशारा किया, भागो पीछे आ गया, भागो भाई भागो। और जब देखा दाऊद ने तो भाई दाऊद अक्सर कहते थे, कह रहे सब भाई आगे से गिली और पीछे से पीती हो गए। भाई लाल अक्सर ऐसे बोलते थे, सब भाइयों का ऐसा हाल था। जैसे दाऊद ने सुना जब उसने देखा, तब वो अंदर से जो अभिषेक था उसे एक उफाना मारा, अंदर से खर्च निकले। क्या कर रहे हो? वो खुदा के नाम में गालियां दे रहा है, ऐसी बात करे तो भाग रहे हो? मैं तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपना साइज तो देख लो, कह रहे जीव दे यहोवा की सौ। क्योंकि दाऊद को उस अभिषेक पर भरोसा है जो उसके सिर पे भेजा गया है। ऐसी वाली बात कि देखो भाई, एक लड़का है, उसने चैलेंज स्वीकार कर दिया गांधी बोलिए का। आमीन। एक आया है तो उसने चैलेंज स्वीकार कर लिया। शाऊल ने कहा अच्छा शुक्र, कोई तो बलि का बकरा मिला, आज जाता है तो जाने दो, कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन कोई तो आया, बुलाओ जल्दी जल्दी बुलाओ। उसको पता नहीं बातचीत होनी है, बहुत पतली लड़ाई होनी है, मेरी डॉक्टर ऑफ डॉक्टर की ये शिक्षा के कुछ पॉइंट तुम रख लो भाई, फ्री में देता हूं। आपको पता है दाऊद कहां से है? यहूदा के गोत्र से, शाऊल बिन्यामीन के गोत्र का था, और उत्पत्ति में भविष्यवाणी थी राज हमेशा यहूदा के ही घर में रहेगा। खुदा के प्लान में था ही नहीं, उसके प्लान में तो राज
है, ये मेरी स्टडी है, ये मेरी डिग्री है, रख लो, जब बात होगी तो ये यहाँ 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 से बात करना। अब पूरा उसको वस्त्र पहना रही, तो बाइबल बताती है ताव से चला नहीं है। आगे कि पहले तो ताव कूद के ऐसे जाता था, तो अब वो ऐसे हिल रहा है। ये तो बांध दिया मुझे। हाँ जी, तो दाऊद को पता है कि यदि मैं ये वाली स्टडी लेके गया, हाँ जी, तो मेरा मरना पक्का है। हाँ जी, और उसे कब मैं छोड़ दो, मुझे शांति बिगड़ी नहीं चाहिए, उसका मनोहत्या नहीं चाहिए। उतारो मुझे, क्या बात दिया जी। उसने कहा फिर लड़ेगा क्या, कह रहे देखते जाओ, तो जल्द में मैं नहीं लड़ूंगा, जल्द में यहाँ तो सारी भीड़ तमाशा देखने के लिए पीछे पीछे बैठो बैठो जी, सारे देखने के लिए क्या होगा। शाऊल ने हो सकता है यसूस को भेजा होगा, कहे तुम देखना ये लड़का क्या करता, कल को ऐसी तकलीफ आ गई, उसने कहा कि जाओ देखो क्या कर रहा है। तो पता है थोड़ी भीड़ पीछे पीछे कि देखो अब क्या हो रहा है, छोटा लड़का बड़ा बंदा ऐसे कैसे कर सकता है, हैं? खुदा तो खुदा ही है, जब वो काम करता है विचित्र काम करता है। जब उसने नौ को किश्ती बनाने के लिए कहा तो क्या कहा, गोफर की लकड़ दे, गोफर की लकड़ पानी में रखी तुरंत डूब जाती है, गोहा बन जाती है, गोबर हो जाती है। और लेकिन खुदा ने कहा यही लकड़ पानी में कभी तैर नहीं सकती, यदि इसको मैंने पानी पे ना तैराया तो मैं भी यहोवा हूं। यदि इन लोगों के जो गलतियां करने वाले हैं, जो पाप करने वाले हैं, फिर अपनी चली खुदा चली, सारे रखा है खुदा के पास, लास्ट में एक इक्का है, आप एक चीज सोचना, जैसा नबी खुदा ने कहा जाके सो जा, तुझे मौत का स्वाद चखना पड़ेगा, सो जा आराम कर। अलीशा जैसा कब्र में गया और तमाम एलिया जीसस उठाए गए संतों की तस्वीर बना, डेनियल कब्र में गया, हिश्किल कब्र में गया, जेहोना कब्र में गया, और उसके बाद में पौलुस सो जा, सबके सब सुधार हुआ, बड़े बड़े काम किए, जाके सो उठाए थे उसने, मैंने कहा एक को नहीं मैं मारूंगा,
आमीन। मैं पांच के पांच मानूंगा। आमीन। आज जो बाहर पांच ज्ञान इंद्रियां है ना, दाऊद उन पांच अक्षरों से, जीजे से, भेद से, प्रेम से इस बाहर आए हो, जो वही कहलाता है मां के धाम में। आमीन। और थोड़ा सा आगे बढ़ा और तब और उस तरफ उसने अपनी तलवार निकाल ली कि अब युद्ध होगा, तो थोड़ा सा इस तरफ भागा, दाऊद भी भागा। तब दाऊद ने भागते भागते दूसरी दफा जैसे सात बार घुमाया तो एक घुमंडा शुरू हो गया। शाऊल बड़ा महानी था, युद्ध में जोर भी जैसे दाऊद आया और उन्होंने भी चेंज कर दिया। आमीन। उन्हें शाऊल ने मारे हजार और दाऊद ने मारे लाखों। इस नए युद्ध से शाऊल घबरा गया। कैसे गीत है, ऐसे गीत गाते हैं, ऐसे गीत गाते हैं और उनकी बेदारी, उनकी बेदारी आपको पता है। जय दाऊद ने गाती, अब लोग तमाशा देख रहे अक्सर आते हैं जी, हाथ में अब देखते हैं क्या होगा। और उधर गाती गोली भागा, उधर दाऊद भागा, सब देख रहे हैं, देखते हैं कौन जीतता है। तमाशा देखने वाले कमजोर हैं, अविश्वासी हैं, हाँ जी करते हैं। हमें जैसे ही दाऊद ने मौत के साथ मौत को मारा, अगर मैं मौत के साथ साथ उस फैशे को डर दूंगा, मौत के साथ ही मौत को मारा। हमें और जैसे ही उसने मारा, तुरंत जो कमजोर थे धीरे बड़े सुस्त थे खड़े हुए। अब सबने जो हवा के नाम को धन बोला, अपनी अपनी तलवारों को खींच लिया। पहले तलवारों तलवारें मैं थी, अब मैंने अपनी तलवारों को खींच लिया। और तब फिलिस्तीनी भागे, तब पहले ये भागते थे, अब ये फिलिस्तीनी और पीछे भागे। जिस दिन से मैसेज आया है, अमीन, तो जो जेब भराते हैं उनके
घर में घुस घुस के मारते हैं। असल में मैं क्या जो आपसे शेयर करना चाहता हूं मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। सारा की पहली वर्ष पढ़े ना आप फलस्तीन युद्ध के लिए अपने सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा के देश में एक शोको में एक स्थान होकर शोको और अजेका के बीच एफेस तमीम में डेरे डाले। हाँ हुआ क्या अफसदीन जमीन में फेरे डाले रहे। इस शब्द पे मैं रोक के आपको कहीं और नहीं जाना चाहता। मेरे सामने गाड़ी पहले गया पहला इतिहास उसका 11 अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा भाई पढ़ लें। तब सब इसराइली दाऊद के पास हेब्रोन में इकट्ठा होकर कहने लगे, सुन हम लोग और तू एक ही हड्डी और मांस है। पिछले दिनों में जब शाऊल राजा था तब भी इसराइलियों का अगुआ तू ही था। वे देख हम एक दूसरे की हड्डी और मांस है। जो खून तुझ में है ऐ दाऊद वो भी खून मुझ में। आमीन। जिस मां से तुम बने हो उसी मां से हम बने हैं। आमीन। अब थोड़ा सा आगे पढ़िए। पिछले दिनों में जब शाऊल राजा था तब भी इजराइलियों का अगुआ तू ही था और तेरे खुदा यहोवा ने तुझसे कहा मेरी प्रजा इजराइल का चरवाहा और मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान तू ही होगा। तू ही होगा दाऊद राजा। आमीन। क्योंकि खुदा ने कहा था मेरे जन की अगुवाई ये दाऊद करेगा। आमीन। पढ़िए। इसलिए सब इजराइली पुरनिय हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने शमूएल से कहा था इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद का क्या किया? अभिषेक कर दिया। जब दाऊद का अभिषेक हो गया तो उसके साथ राज करने के लिए कौन कौन गए उनके नाम लिखे हुए। आमीन। पढ़िए भैया। मैं चाहता हूं 10 ऐसे शुरू करो भैया। यहोवा ने इसराइल के विषय जो वचन कहा था उसके अनुसार दाऊद के जिन शूरवीरों ने समस्त इसराइलियों समेत उसके राज्य में उसके पक्ष में होकर उसे राजा बनाने को जोर दिया उनमें से मुख्य पुरुष ये हैं दाऊद के शूरवीरों की नाम बलि यह है अर्थात एक हकोमी का पुत्र और हकोमी का मतलब बुद्धिमान एक बुद्धिमान का बेटा है। आगे हकोमी का पुत्र यशोबामा जो 300 में मुख्य था। एक मिनट। यशु हुआ जिसका मतलब है द पीपल विल रिटर्न। मेरी बात समझ आई? लोगों को वापस लाऊंगा मैं। समझ आई? वो लोग वापस आएंगे वापस पढ़ते हैं और ये 300 भैया पढ़ते एक हकोमी का पुत्र यशोबाम जो 300 में मुख्य था उसने 300 पुरुषों पर भाला चलाकर उन्हें एक ही समय में मार डाला। और ये ऐसा व्यक्ति है दाऊद के साथ राज करने के लिए ये जब भाला चलाता है ऐरा गरा नहीं है इसके भाले में ऐसा कमाल है जब ये भाला चलाता है अकेला 300 लोगों को मार देता है। आमीन। 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 क्या ऐसा ही एलिय्याह नहीं था? अकेला 450 के था। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या
जानते हैं अच्छी तरीके से, तो भाई ब्रानम के समय में अकेला भाई ब्रानम 400 लोगों को अकेला चैलेंज, हमें तो इस अकेले के साथ जब अपना भाला चलाता है तो 300 लोगों को टांग देता है। आमीन। इसको इतना भालदार चलाने का हुनर है, ये ऐसे नहीं पता नहीं तलवार पता नहीं कैसे, जब तलवार चलाता है ना भाला चलाता है आंधी खड़ी कर देता है ये। आमीन। दाऊद के साथ उसके राज्य में होगा। हालेलुया। अब आप सोचो कि पेंटिकोस के दिन क्या हुआ। आमीन। जब एक मुंह के भोले के वचन के द्वारा जब भाला फेंकता था तो वहां पर 3000। हालेलुया। और आप सोचो वहां पर 11 चेले हैं तो 3000 को एक एक को कितने आए, 300। एक एक 300 को संभालता है, ये उनका सरदार है, सरदार। हालेलुया। इसके बाद अहोरी गीतो का पुत्र एलियाजर जो तीनों महान वीरों में से एक था, वो पसत नमीम में जहाँ जौ का एक खेत था दाऊद के संग रहा जब फिलिस्तीनियों युद्ध करने के लिए। जब दाऊद राजा नहीं था तब ये लोग दाऊद के साथ खड़े रहे। आमीन। आमीन। और इनको बाद में राज दिया गया। मेरी बात समझ में आ रही है? पढ़िए। दाऊद के संग रहा जब फिलिस्तीनियों युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए थे और लोग फिलिस्तीनियों के सामने से भाग गए, तब उन्होंने उस खेत के बीच में खड़े होकर उसकी रक्षा की और फिलिस्तीनियों को मारा। तो इन्होंने जब फिलिस्तीनी आते थे और खेत को लूट लेते थे तो इन्होंने खेत की रक्षा करी थी। आमीन। यहाँ पर अनाज था तो ये रक्षा करके खड़े रहे, तो ऐसा को राज मिला कहाँ, दाऊद के साथ। हालेलुया। भाग गए तब उन्होंने उस खेत के बीच में खड़े होकर उसकी रक्षा की। हाँ। और फिलिस्तीनियों को मारा। हाँ। और यहोवा ने उनका बड़ा उद्धार किया। हाँ, आगे। 300 मुख्य पुरुषों में से 3 दाऊद के पास चट्टान को अर्थात अदुल्लाम नामक गुफा में गए। 300 लोगों में से, मैं बोल के 30 लोगों में से ये 3 सरदार एक थे। आमीन। आगे। अदुल्लाम नामक गुफा में गए और फिलिस्तीनियों की छावनी रफाइम नामक तराई में पड़ी हुई थी। उस समय दाऊद गढ़ में था और उस समय फिलिस्तीनियों की एक चौकी बैतलहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन दाऊद उस समय जब प्यासा था और उसने बैतलहम को देखा तो काश उस कुएं का पानी मैं पीता। जैसे उसने कहा तो ये 3 जन थे के लिए आएंगे। हमारा दाऊद भी आप प्यास है, क्या कोई उसकी प्यास बुझाने के लिए जाएगा? इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी तलवारें ली और दुश्मन को मार फेंके। तब तक मारते गए जब तक कुएं से पानी ना भर दिया। तो पानी किस पे भरना था, एक चमड़े की मस्क में, मस्क में पानी भर के, और ये चमड़े की मस्क क्या है, जेब। आमीन। आप वर्षण चलाते हो हमारे दाम को वृद्धि आती है। बोले या ना बोले, लेकिन वो उसके साथ राज करने वाले हैं।
कोई देवता है ना भारत में, हाँ जी, जिसकी आज्ञा चुप रहना, इससे हम लड़ेंगे जी, हमें अपने दाऊ को खुश करेंगे। पानी चाहिए मुझे, हाँ कुएं का पानी चाहिए, और जैसे दिखाओ पानी, तो ये ऐसे विश्वासी हैं जो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए चाहते हैं। कौन जाए मरे, अगर हम थोड़ी ना मरेंगे, हम क्यों जाए, हम क्यों मरे। तो आपको पता है ये इजरायली नहीं थे, ये अन्य जाति थे, ये अन्य जातियों थे, उस समय फरिश्तियों की एक चौकी बैतलहम में थी, तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैतलहम के फाटक, जहां पर दाऊद खड़ा है 15 मील का सफर है, 25 किलोमीटर लगभग, आमीन, वो तलवार के साथ मार दे। सोचो भाई उनके कंधों में जान कैसी होगी, आमीन, पावर कितनी है उसमें, तो मारते जाते हैं, सांस लिए थे जब तक उस कुएं से पानी न फैल गया। वैसे भी बहुत भारी पै जाते पर आत्मा द्वारा भी है, और एक गल सच है, और ठहर जाता, और खुदा भाई सरदाम ने उसको मार कर रहा, खुदा भाई काम कर रहा, क्योंकि ये दाऊद की प्यास बुझाने लाई दूर दूर तक जाते हैं। भाई मलकीर को बैठे देखता मैं, भाई मलकीर, भाई मलकीर उसी दाऊद की प्यास बचाने के लिए वहां फिरोजपुर बॉर्डर से लेके हैं, मतलब पाकिस्तान की सरहद से भारत नेपाल की सरहद तक जाते हैं, और इतना सफर किसके लिए कि हमारा दाऊद प्यासा है। हालेलुया, तो ये लोग थे जिन्होंने दाऊद के साथ राजा राज किया। और अपने नामों पर पढ़े हैं, पढ़िए भैया, जो केव जेल के एक वीर का पुत्र था, जिसने बड़े बड़े काम किए थे, उसने सिंह समान 2 मुआबियों को मार डाला, और बड़े बड़े शेरों की तरह 2 जवानों को अकेले ने मार दिया था। देखिए कैसा झूठा है, आगे उसने सिंह समान 2 मुआबियों को मार डाला, और हिमशत्रु में उससे उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला, और ऐसा ये शेर को भी मार देता है, अकेला दाऊद शेर को नहीं मारता, भाई उसके साथ जो उसके योद्धे ये भी शेरों को मारने का दम रखते हैं। तो इसने क्या करा, उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को, गड्ढे में उतर के शेर को मारा, आमीन, शेर भागना भी चाहे
जी आमीन। जब शेर ने योद्धे को देखा होगा और शेर पूरा लपट के पड़ा होगा योद्धे पर बनाया पर जिसका मतलब यहोवा ने बनाया, आमीन। जब इसके ऊपर पड़ा होगा और तब दाऊद ने घुसा मारा होगा, मुंह में जोलन ढाल मारी होगी, जब दांत उसके शेर के तोड़ दिए होंगे होंगे तो फिर वो इधर उधर छिपता होगा और भागना चाह रहा होगा, ठीक है ना। कई दफा कुत्ता भू भू करता है, तब डंडे से उसको पीट दे तब भागने की कोशिश करता है, तो ऐसे भागने की कोशिश कर रहा तो ये योगा कैसे खड़ा होगा आगे। शेर को भी निकलने नहीं देता, पढ़िए रोरे। और हिमशत्रु में उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला, फिर उसने एक विशाल डील डोर वाले अर्थात पांच हाथ लंबे मिस्री पुरुष को मार डाला। पांच हाथ बहुत बड़े, जैसे काफी गोलियत था, ऐसे बड़े बड़े साढ़े सात फुट गया, इतने लंबे व्यक्ति को उसने मार दिया। और वो कितने था, वो शिव हाथ था, ये पांच हाथ था, उसको मार दिया। देखो ऐसे युद्ध है दाऊद के साथ। वो मिस्री हाथ में जुड़ाओं का ढेका ढेका सा एक भला लिए भाला लिए हुए था, परंतु बनाया एक लाठी ही लिए उसके पास गया और उसी के हाथ से भाले को छीन कर उसी के भाले से उसे घात किया। ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनाया उन तीनों वीरों में नामी हो गया। और उसने क्या करा कि उसके हाथ में उसने पांच हाथ में एक लंबे मिस्री जवान जन्नो मकाया अते मिस्री के हाथ में जदाहे की तुर वर्ग बशरा बरछा सी, पर वो एक सुरडी लै के ओदे कोल उतरया। देखो एक लाठी से बरछे का मुकाबला करने के लिए गया, ऐसा शेर थे। और वर्षा मिस्री के हाथ से उसे छीन लिया, जो तलवार काठी गोलियत दे कोल सी, जिवें दाऊद ने गोली तलवार लेके उन्हें मारिया, ये भी सेम होते ही करता। आमीन। तो इन्हें ओदा वर्षा लिया, उसका वर्षा लिया और उसी के वर्षे से उसी को ही मारा। दाऊद ने इनको स्पेशली खींच लिया था। मैं सोचता हूँ कि दाऊद ने क्या समझाया होगा। दाऊद ने यही समझाया होगा कि आपको तलवारें नहीं चाहिए, ढाले नहीं चाहिए, आपको यहोवा का अभिषेक चाहिए। ऐसे करके मैंने शेर को मारा था, ऐसे करके मैंने उस बड़े धनुष को मारा था। आमीन। वैसा वैसा उसको रुतबा देता है, फिर भी वो खास तीन बंदों में नहीं आया इतने बड़े काम करने के बाद। यही रुकना भैया, बारह की पहली वर्ष में जब दाऊद सिकलग में कीश के पुत्र शाऊल के डर के मारे छिपा रहता था, तभी उसके पास वहां आए और ये उन वीरों में से थे जो युद्ध में उसके सहायक थे। एक युद्ध में दाऊद के साथ लड़ने वाले सहायक कौन से थे? ये थे सूरवीर। और इनकी खूबियां जो है इनका नाम किताब में लिखा गया हमें कि ये दाऊद के साथ लड़े हमें और दाऊद को राजा बनाए रखा। अच्छा पढ़िए भाई। ये धनुधारी थे, ये धनुधारी थे। आमीन आमीन। ये कैसे योद्धे थे? धनुधारी। आगे जो दाहिने बाएं दोनों हाथों से गोफन के पत्थर और धनुष के तीर चला सकते थे। ये तो लड़ते थे एक हाथ से, लिए थे आमीन। इनकी कुंडली ये
थे दोनों हाथ से क्वालिटी है उनमें। हालेलुया, जब से वर्शिप करते हैं किसी देश में युद्ध करना होता है, आर्मी ने लड़ना होता है तो ऐसे करते हैं, चलो लड़िए चलिए, ऐसे बोलते नहीं है, फिर लोग की अपना नारा मारते हैं तो फिर आप मसीहा हो मिलेंगे, फिर वैदिक तलवार चलेंगे, हेलो ये तो पता लग रहा है आमेन, हम आ गया लड़ाई का मोर है और बूढ़े होना नरसिंगा फूंक रहा है आमेन। तो ये जो लड़ते सी ये दोनों पासा गोपियां भी कमा लेते हाथ तीरा, इनका हाथ तीरों पर साफ बहुत है, पत्थर चलाने में तो महार है आमीन। क्या यही वो योद्धे नहीं है? जब इनको फलिस्तीन मिल जाए तो ये ऐसे ऐसे वर्षे निकालते हैं, इस तरफ से वर्षे, इस तरफ से वर्षे, इस तरफ से महारेंगे। हालेलुया, तो फलिस्तीन की क्या मजा आता अरे भाई, मिशनों में क्या होता था आपने देखा है? मिशनों में तो वो जब फादर खड़ा होकर बोलता है, हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह ऐसे रुक रुक के पृथ्वी पे आए, हमारे लिए जान दी, जब तक वो एक पत्थर फेंकते हैं तब तक तो ये पत्थरों की बरसात कर देते हैं, पता दिया था लगता कि पत्थर आया कहां से रहा, इधर से पत्थर, इधर से पत्थर, इधर से पत्थर, इधर से पत्थर, इधर से ऐसी खूबी वाला नहीं चाहिए कि ऐसे करके
बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे गोपी बात आनी चाहिए है? तो आ गया मीटिंग में, सारी मीटिंग में बैठा हुआ, कभी कभी हाथ ऐसे घुमाना, ऐसा चौथा थोड़ी ना जी है पढ़ना भाई। धनुर्धारी थे जो दाहिने बाएं दोनों हाथों से गोपन के पत्थर और धनुष के तीर चला सकते थे। ये है क्वालिटी। आगे और ये शाओल के भाइयों में से बिन्यामीन थे। और ये दाऊद के अपने घराने के लोगों में से थे। आमीन। और खास तौर से हम ये कहेंगे इजरायलियों में से थे, लेकिन ये शाओल के घराने से निकल के आए थे। अरे ये डिनोमिनेशनों में थे, शाओल के यहाँ रहते थे। इनको पता चला कि राजा आने से शाओल नहीं आएगा। गादियों में के कितने बलि सूरवीर अच्छे जो थे, जो ढाल और वर्षों की विद्या या सीखे हुए थे। हाँ, और ढाल और भाला काम में लाने वाले थे। हाँ हाँ, और उनके मुंह सीख कैसे, और वे मुंह कैसे थे, शेर की तरह दिखते थे। काले चिक्की नहीं थे उनकी। कल भाई जर्मन गए थे ना, शेर उनके मुंह से ऐसे लगता है शेर है ये शेर। कल भाई आशीष ऐसे लग रहे थे ना, तो शेर की तरह दहाड़ रहे थे भाई। ये तो दिखने में शेर जैसे थे, कुछ बैल जैसे थे, कुछ मनुष्य जैसे थे, और कुछ अपना पाठ आप फिर करो ना, कुछ मकान जैसे थे, शेर जैसे थे, शेर ये कमजोर नहीं थे। जिसकी पैंट नीचे तक यहाँ पर आपने देखा होगा चर्चों में ऐसे लड़के आते हैं जिनकी पैंट यहाँ तक आई है। हाँ जी, ये इतना जबरदस्त कपड़ा कैसा बांधते हैं। आमीन। जल्दी कोई खोल नहीं सकता। जिसमें जाते ना कपड़ा कैसा, हर एक नहीं तो भैया उनका भागते भागते उनका तो कपड़े खुल जाए। राजाओं की पोशाक को अच्छी तरीके से बांधा जाता था जी। और आसानी से नहीं खुलती थी। ये अच्छी तरीके से पोशाक पहने हुए हैं। जब दाऊद जंगल के घर में और क्या, हाँ, तब ये गादी जो सूरबीर थे और ये अलविदा सीखे हुए और ढाल और भाला काम में लाने वाले थे। हाँ, और उनके वो सिंह कैसे, सिंह जैसे उनके चेहरे थे, और वे पहाड़ी वृक्ष के समान वेग से दौड़ने वाले थे। पहाड़ों पे पंजाबी में लिखे हिरना वांगू आमीन तेरे थे दौड़ते थे। और उनके वे पहाड़ी वृक्ष के समान वेग से दौड़ने वाले थे। और ये हिरना वांगू बड़ी रफ्तार ना दौड़ते थे। आमीन। मतलब कि पहाड़ा दर पहाड़ा ऐसा कूद लेते थे। आमीन। ये तो पहाड़ा दर कितना पास जमीन कूद के जाता है। आमीन। हल्लिया। ये कूदने वाले लोग थे। जब ये युद्ध में जाते हैं तो इसमें नीचे से तलवार चलाता है। चौथी छोटी पहाड़ी, पांचवी और बड़ी पहाड़ी, छठी छोटी वाली और सातवीं और बड़ी पहाड़ी। इन पहाड़ियों पर कूदते हैं, कहते हैं दाऊद के छोटे
जो दाऊद के साथ राज करेगा उसके युद्ध से। आमीन। खूबियां है भाई, दो हाथों से तीर चलाना, जिसको चर्च में चाय भी नहीं बनाती बनाने आती तो उसको क्या अब ये कह रहे भैया ये ना 20 किलो चिकन बना ले, उसको पता ही नहीं है, हां जी नॉलेज ही नहीं है कि पहले तेल डालना है या चिकन बनने के बाद में डालना है। तो कैसा टेस्ट आएगा है? तो भाई इनको नॉलेज है, यहाँ पर देखिए उन्होंने शस्त्र की विद्या ली थी, आज यहाँ पर कुछ स्टडी करने आए हैं। आमीन। तो सिखाए किसके द्वारा गए? दाऊद के द्वारा। प्रभु का एक बात पे तो धन्यवाद हो कि इनका सिखाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, इनका सिखाने वाला तो दाऊद है। हालेलुया। वे पहाड़ी पर नीरज के समान रफ्तार से दौड़ने वाले थे। बड़ी रफ्तार से दौड़ते थे, कैसे जैसे फिर हमें जहां से वहां, हमें जैसे एरिया बारिश में खुद से भी आगे दौड़ता जा रहा है। ये मशीन चलते नहीं है, लोग कहते हैं कि ब्रदर असी मसीह विच बहुत वधिया चल रहा, ये दौड़ दे लिखा ना दर्शनम पट्टियों पे साफ साफ देख ताकि कोई दौड़ता हुआ भी पढ़ सके। इनकी तो रफ्तार इतनी है एक एक दिन में दो दो तीन तीन संदेश कैसे खा जाते भाई। शोर बता रहे थे पहले जब मैं शुरू होता हूँ ना तो पता नहीं भैया तीन घंटे से जाके ब्रेक ही नहीं लगती है। भाई मंदिर कह रहे कि भैया मैं तो चार घंटे तक पहुंच जाता हूँ है? तो पेंटिकॉस्टो में तो चार घंटे में दो मीटिंग करके खाना खा के सो भी जाती है कि नहीं? यहाँ पर तो वो शुरू होता है, बड़ी रफ्तार है इनकी, और एक ही सांस में पता नहीं कितनी बातें बोल जाती हैं। तो बंदा ध्यान से सुनता रहता है, बोला क्या भाई? हां जी भाई, इतनी तेज ऐसी है दाऊद की ज्योति। आमीन आमीन। चलिए पढ़ना। ये और दादियों से अलग होकर उसके पास आए, अर्थात मुख्य तो एजर, दूसरा होता तीसरा एलिया, चौथा मिसमन्ना, पांचवा यर्म्याह, छठा अत्ते, सातवां एलियल, आठवां योहानान, नौवां एलजाबाद, दसवां यर्म्याह और ग्यारहवां मकबन्ने था। ग्यारह है अलग से मुख्य लिए क्यों? क्योंकि इसलिए कि ग्यारहवीं घड़ी के मजदूर हैं, इनका भी कोई रोल है। हालेलुया। ये तब आए जब पहला विश्व युद्ध रोका गया 11 बजे, और 11 बजने में 11 मिनट बाकी थे, 11वें महीने और 11 तारीख को। ये वो लोग हैं 11 11 11 बजे। आमीन। यहां पर भी 11 11 बजे हैं। आमीन। दूसरी तरफ सीधे लोगों को है मसीह की दुल्हन के 1:30 बज गया ते तुसी सुस्त है एडा पै रहे जिन्ना कईयां ने 12 बज गए। 12 बजे वाली स्टोरी कुछ नहीं पता लगता फिर गड्डी किधर ले जाती है, फिर बैठे बैठे अखां ऐ होने शुरू। जदों 1:30 बज जाता है 1 बज जाता है हैं भई तुसी योद्धे हो तां होता मैं कुछ कह रहे हैं 11:11 वाली का। हालेलुया। ये 11:11:11 वाले हैं आखिरी घड़ी में मसूर हैं। ये गादी मुख्य योद्धा थे, उनमें से जो सबसे छोटा था वो तो 100 के ऊपर और जो सबसे बड़ा था वो 1000 के ऊपर था। ये यहाँ पर पता क्या है? वो कह रहे कि ये इनमें खूबियां बता दी
जो एक छोटा था वो छोटा 100 के ऊपर है जी, और बड़ा 1000 के ऊपर है। आमीन आमीन आमीन। तो दाऊद के योद्धों में से यहाँ पर जो बैठे योद्धे, आमीन आमीन, तो इनके नीचे 100-100 बंदा तो वैसे ही है, इनकी छोटी से छोटी कलीसिया 100 है और कहीं भी तो बढ़ती जा रही है। जो बड़ा है तो वो 1000 तक पहुंचे, और कांगो में पता चला तो कोई 50,000 के ऊपर है। और भाई बहन आएगा मैं तो 2000 के ऊपर हूँ। अमीन। अब दूसरे शब्दों में इनमें से छोटी से छोटा 100-100 बंदों को संभाल ले, जब ये खड़े होकर जब गाते करे 100 ले आओ, मैं अकेला ही काफी हूँ। और जब इनसे बड़ा अटैक करे ऐसे करो 1000 ले आओ, अरे परवाह नहीं मैं अकेला काफी हूँ। आमीन। तो इनमें से छोटे से छोटा भी कोई नामी गिरामी, ये है दाऊद के युद्ध जो राज होने पे जिस वो परम पवित्र का अभिषेक कहती है उसके साथ खड़े होंगे। आमीन। और तब भैया यहाँ पढ़ दीजिए यहाँ, और ये ही वे हैं जो पहले महीने में जब यरदन नदी सब किनारों के ऊपर ऊपर बहती थी तब उसके पास पार उतरे और पूर्व और पश्चिम दोनों ओर से सब तरह के रहने वालों को भगा दिया। कई एक बिन्यामीनी और यहूदी भी दाऊद के पास घर में आए, उनसे मिलने को दाऊद निकला और उनसे कहा यदि तुम मेरे पास मित्र भाव से मेरी सहायता करने को आए हो तब तो मेरा मन तुमसे लगा रहेगा, परंतु जो तुम मुझे धोखा देकर मेरे शत्रुओं के हाथ पकड़वाने आए हो तो हमारे पितरों का खुदा इस पर दृष्टि करके डांटे क्योंकि मेरे हाथ से कोई उपद्रव नहीं हुआ। तब आत्मा अमासे में समाया जो 300 वीरों में मुख्य था और उसने कहा अमासे उत्ते जरा सूबेदार का प्रकाश ही आत्मा का प्रकाश होया, आत्मा समा गया, वो बोलिया हे दाऊद असी तेरे नाल है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं यदि आपने आत्मा समाया है तो हमारे उस बादल को कहना चाहेंगे है हमारे दाऊद हमारे साथ है, कोई कहना चाहेगा हम आपके साथ है, हमारा राजा दाऊद बनेगा। पूरी दुनिया में इसी बातों को लेकर चर्चा चल रही है कि ये बादल अलौकिक नहीं था, ये धुएं के रॉकेट से बना हुआ, ये मसीह की आमद नहीं है, लेकिन एक ने आत्मा समाया, जिसने आत्मा समाया उसने कहा दाऊद हम तुम्हारे साथ हैं। तो यदि आप में आत्मा आएगा आप दाऊद के साथ खड़े होंगे। आमीन। हालेलुया। रे। और उसने कहा हे दाऊद हम तेरे हैं, हे ईशे के पुत्र हम तेरी ओर के हैं, तेरा कुशल ही कुशल हम तेरी ओर के हैं। हालेलुया। हम इस बादल की ओर से हैं, तेरा कुशल ही कुशल हो और तेरे सहायकों का कुशल हो क्योंकि तेरा खुदा तेरी सहायता किया करता है। दाऊद ने उनको रख लिया और अपने दल के मुखिया ठहरा दिया, और उनको दल का मुखिया ठहरा दिया। और 33 वर्ष से पढ़ना, फिर जब उन्होंने से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए लड़ने को पाती बांधने वाले योद्धा 50,000 आए, वे पाती बांधने वाले थे और चंचल ना थे, और चंचल दो चिंते नहीं सके कि मैं इधर संगत करा या उधर करा, और हम पक्की पता सी गल कि जो दाऊद है वो सही राजा है। वो ऐसे नहीं थे कि सोचते हो पता नहीं ये सदैव सच है भी कि नहीं, पता नहीं खुदा शब्द जैसे भाई आशीष भी कह रहे थे सही है भी कि नहीं, वो दो चित्ते नहीं थे, वो एक ही बात कह रहे थे हम अपने दाऊद के साथ हैं। 38 वर्ष
ये सब युद्ध के लिए पाती बांधने वाले दाऊद को सारे इज़राइल का राजा एक पाड़ा बांधने वाले पाती बांधने वाले लोग हैं, जहां जाते हैं वहां पार बांध देते हैं। हालेलुया आमीन। पंजाब तो आ के पंजाब पर भी बाजी पालना बांधती है लड़ाई ली नहीं तैयार है जिथे जाते उठे तैयार। ये सब युद्ध के लिए पाती मांगने वाले दाऊद को सारे घराने सारे इज़राइल का राजा बनाने के लिए हेब्रोन में सच्चे मन से आए, सच्चे मन से राजा बनाने के लिए आए। और अन्य सब इज़राइली भी दाऊद को राजा बनाने के लिए सहमत थे, सारे एक मन हो गए और ये कहना शुरू किया दाऊद ही राजा बने, दाऊद ही राजा बने, ताजा दाऊद ही राजा बने। मैं इस देश को पूछना चाहूंगा कि तुम सारे एक मन हो, ये कहने कि साजा राजा दाऊद बने। यही मेरे मैसेज का कि जब तुम सहमत हो फिर चला के अपने दाऊद को कहो दाऊद सलाम दीजिए राजा अपने मुझे कि दाऊद हम आपके साथ है, दाऊद हम आपके तेरे साथ है, हम दाऊद के साथ है। अरे चिमा बोले कि हम चाहते तू हमारा राजा हो, चलो मैं आपको बात करें भाई ने बचत प्रचार किया, खुदा के नाम की तारीफ होगी। आज हमारे युग में जो दाऊद आया है तो आज हम बड़ा धन्यवाद हो इसके राज जाने वाला है, तो खुदा के नाम की तारीफ प्रशंसा हो जिसके आज योदा आज हम लोग हैं, तो आज खुदा के नाम की तारीफ प्रशंसा होगी। ये हमारा राजा है और हम इस बार राजा के साथ खड़े हैं, हम इस दाऊद के साथ खड़े हैं। खुदा के नाम की तारीफ प्रशंसा हो, खुदा का नाम मालूम, खुदा के नाम की